लस्सी की शॉप आपको इंडिया के हर शहर में मिल जाएगी, लेकिन जिस लस्सी की शॉप पर आज हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ लस्सी बनाने का तरीका ही सबसे अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, इस लस्सी के अंदर एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं होता, और मैं खुद गारंटी देता हूँ इस लस्सी को पीने के बाद आपकी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, जबरदस्त मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो अभी मैं हूँ जोधपुर में मखानी लस्सी वाले की शॉप पर। तो देखिए, लस्सी को बनाने के लिए सबसे पहले दही को लाया जा रहा है। कम से कम सरदार जी 25 से 30 किलो दही लेकर आ चुके हैं, और अब ये सारा दही जाएगा काउंटर पे। और अब देखिए, सभी दही के पन्नियों को एक एक करके इस बड़े से ड्रम के अंदर खोला जाएगा, और कम से कम एक बार में 20 से 25 किलो लस्सी एक बार में तैयार की जाती है यहाँ पर। और एक बार आप लोग दही का टेक्सचर देखिए, कितना ज्यादा गाढ़ा लग रहा है दही। और सबसे बड़ी खास बात, यहाँ के खाने पीने की चीजों में आपको किसी भी तरह की मिलावट नहीं मिलेगी, चाहे वह कोई भी आइटम हो खाने पीने की। तो सभी दही के पैकेट ड्रम के अंदर खोले जा चुके हैं, और यहाँ दूसरी तरफ भैया चीनी और काजू को लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, लस्सी के अंदर आपको यहाँ पे काजू भी मिलेगा, जैसा कि आपको सामने नजर ही आ रहा होगा। तो लस्सी बनाने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले दही के अंदर डाली जा रही है अपनी चीनी, और 25 से 30 किलो दही है तो इसके अंदर जाएगी कम से कम 5 किलो चीनी। चीनी भी मोटी वाली नहीं, बिल्कुल बारीक वाली चीनी का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो सारी चीनी को कंटेनर के अंदर डाल चुके हैं। चीनी को डाल देने के बाद अब इसको रई की मदद से अच्छे से चलाया जाएगा, ताकि अपनी चीनी और दही दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बार आप लोग दही का टेक्सचर देखिए, कितना ज्यादा थिक लग रहा है। जो पहले लाया गया था दही, कितना ज्यादा गाढ़ा लग रहा था, और अब आप लोग देखिए, जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। और अब अपने दही को इस मशीन के द्वारा फेटा जाएगा। पहले के समय में जब लस्सी को बनाया करते थे, तो रई की मदद से लस्सी को फेटा जाता था। और सबसे बड़ी खास बात, इस लस्सी को बनाने में अभी तक ना पानी का इस्तेमाल किया गया है, ना ही किसी बर्फ का इस्तेमाल किया गया है, बस गाढ़ी दही को फेटा जा रहा है। तो अभी तक 10 मिनट हो चुकी है, अपनी लस्सी लगभग तैयार ही हो चुकी है। अब आप लोग ये कहोगे कि इसमें क्या खास था, इस तरह की लस्सी तो हर कोई बनाना जानता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बनाना तो हर कोई जानता है, पर स्वाद किसी किसी के पास ही होता है। और अभी अपनी लस्सी बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस लस्सी के अंदर। तो लस्सी को फेटने के बाद अब इस लस्सी को एक बड़े से कंटेनर के अंदर डाला जाएगा। इस लस्सी को ठंडा करने के लिए इस कंटेनर के चारों तरफ बर्फ लगी हुई है, जो कि इस लस्सी को ठंडा करने का काम करेगी, जैसा कि आप लोग देख सकते। और दूसरा भी ड्रम लस्सी के इस कंटेनर के अंदर डाल देंगे, और अब आप लोग देखिए, लस्सी से पूरा कंटेनर भर चुका है, और अब इस कंटेनर के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अब इस लस्सी के अंदर डाला जा रहा है ढेर सारे काजू, काजू की पूरी पन्नी डल चुकी है इसके अंदर। और अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा, ताकि अपने काजू पूरी लस्सी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और दिखने में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है अपनी लस्सी। अब आती है इसके बाद अपनी मेन चीज, मक्खन। जी हाँ, लस्सी के अंदर आपने कभी भी मक्खन को डलते हुए नहीं देखा होगा, पर यहाँ लस्सी के अंदर ढेर सारा बूरा डाला जाएगा। और बूरे को देखिए, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में इसको मक्खन के अंदर डाला जा रहा है। अब दोनों चीज को, मक्खन और दही को, दोनों को अच्छे से चलाया जाएगा। और यहाँ आपने, अब भाई ग्लास लगने जा रहे हैं, तो सबसे पहले डाल दी गई है इसके अंदर लस्सी, दोनों लस्सी को भर दिए गए। अब डाली जा रही है इसमें मेन आइटम, मतलब मक्खन, मतलब प्योर क्रीम डाली जा रही है इसके अंदर। दोनों को अच्छे से भर दिया है, मतलब किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की जा रही किसी भी चीज को डालने में। और अब इन दोनों ग्लास के ऊपर डाला जा रहा है एक सिरप, और ये हमारा भाई लस्सी का ग्लास बनकर तैयार हो चुका है।